ये इस तरह की पैकिंग होगी, 5 kg 2 kg, तो दिखाना आपको मकसूद था। तो इस तरह इसकी शाइनिंग बरकरार रहेगी, शापर के अंदर बिल्कुल धब्बे और दागों से बिल्कुल पाक होगी ये। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, कल से हमने जो पिकिंग स्टार्ट की है गोभी की, उसमें आज हम एक बदलाव लेके आए हैं। और बदलाव क्या है कि कल हमने इसको, आपने पिछली वीडियो मेरे देखा होगा कि भाई इसको हमने एक टाट के अंदर, यानी कि एक बंडल बनाया था जब उसको मंडी लेके गए। लेकिन उसमें हुआ ऐसे कि एक तो गोभी की शाइनिंग सुबह बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने आज इसका स्टाइल थोड़ा सा बदला, थोड़े से मेरे पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हर घर को वेजिटेबल जो है फ्री और शाइनिंग और फ्रेश मिलेगी, और दूसरी मंडी वालों को कोई मुश्किल नहीं होगी वज़न करने में, और हमको भी कोई मुश्किल नहीं होगी काउंटिंग करने में कि भाई कितना माल था और कितने का गया। ये देखें, ये शापर जो है इसमें हम 5 kg की बजाय 6 kg की पैकिंग कर रहे हैं कि लेने वाले को बिल्कुल कोई कमी ना हो, क्योंकि मंडी में ऐसा होता है कि वो 5 kg की जगह 6 kg लेके जाते हैं, हमेशा ही कोई ना कोई उनका मसला होता है। लेकिन ये ऑलरेडी हमने तराजू से इसका वज़न किया है, 5.5-6 kg हम 5 kg की जगह दे रहे हैं, और इसमें 2 kg की पैकिंग और 3 kg की पैकिंग अलहदा हो रही है। तो इसका फ़ायदा ये है कि शाइनिंग इसकी बरकरार रहेगी और फ्रेश रहेगी, और मंडी में इसका इंशाल्लाह रेट भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम गोभी की पैकिंग कर रहे हैं शापरों में, 5 kg जो है इसकी पैकिंग है। तो इसको हम यहाँ पर ही इसका वज़न कर लेंगे, एक तो इसमें इसकी शाइनिंग जो है बाकी रहेगी, और बाकी इसकी वाइटनेस जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और दूसरा, मंडी में भी इसका वज़न जो है हम 6 kg 5.5 kg जो है 5 kg में देंगे, तो वाइट शापर में एक तो इसका वज़न दोबारा नहीं करना पड़ेगा, और दूसरी इसकी शाइनिंग देखें बरकरार रहेगी इस तरह से। तो यही बताना आपको मकसूद था कि आज हम इसको जो है